सकती मां। हैग्रीव का दुर्भाग्य केवल ये नहीं है कि उसने भगवान विष्णु के आप्त वचनों को, ज्ञान को बंदी बना लिया है। उसका वास्तविक दुर्भाग्य ये है कि वो ज्ञान को इतना निकट पाकर भी ज्ञान से कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है। ज्ञान से द्वेष करके कोई स्वयं ज्ञानी नहीं बन सकता, और यह तो हर युग में होगा कि कोई ना कोई वर्ग ज्ञान का मार्ग रोकने का प्रयत्न करेगा। वो ज्ञान और ज्ञानी से घृणा करेगा, पर स्वयं अपने मस्तिष्क को अज्ञान के अंधकार में डूबा रहने देगा, और जब ऐसा होगा तब दैवी शक्तियां उसे किसी न किसी रूप में दंडित अवश्य करेंगी। भगवान विष्णु का भी यही अभियान है। हे प्रभु, अब क्या होगा? आप क्या करेंगे? ब्रह्मा पुत्र मनु का क्या होगा? दानव हैग्रीव आपके ज्ञान को नष्ट करने पर तुला हुआ है, और भगवान शिव ने पृथ्वी को जलमग्न करने का निर्णय ले लिया है। अब वही होगा देवी जो मेरा वचन है। मैं वचनबद्ध हूं कि जब भी कोई शक्ति मानवता के लिए संकट बनेगी तो मैं उसे अवश्य रोकूंगा। जिस प्रकार सूर्य अपना तेज बांटना नहीं छोड़ सकता, जिस प्रकार एक दीपक अपना प्रकाश फैलाना नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार मैं भी अपने वचन से मुख नहीं मोड़ सकता देवी। अब मेरे प्रथम अवतार का समय आ गया है देवी, मत्स्य अवतार। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मत्स्य अवतार? हां देवी, मैं मत्स्य का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर जाऊंगा। आप पृथ्वी लोक जाएंगे? हां महादेवी। और मैं, मेरा क्या होगा? जब से आपने मेरी रचना की है मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रही हूं। आप ही तो कहते हैं कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपकी बाएं भुजा में मेरा वास है, वामांगी हूं मैं आपकी, और आप मुझे ही छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। ये कमल नयन, मुझ पर दया कीजिए, एक क्षण भी मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। हे सर्वश्रेष्ठ, हे नारायण, आपकी लक्ष्मी आपसे दूर नहीं रह पाएगी। दूर तो मैं भी नहीं रह सकता आपसे महादेवी। अपना विष्णु रूप पाते ही मैंने आपकी रचना की थी, तो मैं आपसे दूर कैसे रह सकता हूं? भला पुष्प से सुगंध और सागर से लहर दूर रह सकती है? हमारे एकाकार होने का समय आ गया है देवी। कि मानव कल्याण के लिए, अपने आप्त वचन की रक्षा के लिए मेरे दीन दयाल भगवान श्री विष्णु मेरे आंगन को अवश्य पावन करेंगे, और यही हुआ। वासुदेव ने मछली का रूप धारण करके अपना पहला अवतार लिया, किंतु दो समस्याएं थीं। पहली ये कि ब्रह्मा के परामर्श पर भगवान शिव ने धरती को जलमग्न करने का निर्णय कर लिया, और दूसरी ये कि ब्रह्मा पुत्र मनु ने मानव की रक्षा की ठान ली थी।
मनु वृद्ध हो चुके थे, पर उनके मन में मानव कल्याण की रक्षा की इच्छा अब भी प्रबल थी। उन्होंने आमरण व्रत कर रखा था। उनकी पत्नी शत्रुपा को ब्रह्मा का आशीर्वाद था कि समय उनके यौवन को कभी प्रभावित नहीं करेगा। वो अब भी युवती थी, किंतु एक सती की भांति अपने पति की सेवा में तत्पर थी। संध्या तर्पण का समय हो गया है स्वामी, क्षमा कीजिए, मैंने आपका ध्यान तोड़ दिया। तोड़ने का कार्य तो तुमने कभी किया ही नहीं देवी, तुमने तो जब किया जोड़ने का ही कार्य किया। पहले मेरे जीवन में आकर मेरे बिखरे अस्तित्व को जोड़ा, फिर मुझे संतान देकर मेरे परिवार को जोड़ा, और अब मेरे तप में मेरा साथ देकर मेरी आत्मा को परमात्मा से जोड़ रही हो। कभी कभी सोचता हूं कि तुम्हें यहां साथ लाकर मैंने तुम पर बहुत बड़ा अन्याय किया। अन्याय तो आप ये कहकर कर रहे हैं कि आपने मुझ पर अन्याय किया। जीवन का ऐसा कौन सा सुख है जो मुझे आपसे नहीं मिला? ऐसा कौन सा ऐश्वर्य है जो आपके साथ रहकर मैं नहीं भोग पाई? मैं बहुत ही स्वार्थी कहलाती यदि मैं आपसे केवल सुख पाती रहती, आपके दुख और आपके कष्ट की भागीदार न बनती। पिताश्री ब्रह्मा ने हमको उत्पन्न करते समय भी तो यही कहा था कि हम दो शरीर किंतु एक प्राण हैं। आप वृक्ष हैं स्वामी और मैं अमरलता। आपके सहारे के बिना तो मैं खड़ी भी नहीं रह सकती। तुमने जिस प्रकार सतीत्व के धर्म का पालन किया है, उसी से प्रसन्न होकर पिता श्री ब्रह्मा ने तुमको वरदान दिया कि तुम सदैव वैसी की वैसी रहोगी जैसी पिता श्री ने तुम्हें उत्पन्न किया था। तुम्हारी आयु आती जाती ऋतुओं और बीते समय से कदापि प्रभावित नहीं होगी। आपके मुख पर, आपकी तपस्या, आपके निश्चय और आपकी कल्याणकारी प्रवृत्ति का तेज है स्वामी। मानव जाति के कल्याण के लिए आप आमरण व्रत कर रहे हैं। मानव जाति को बचाने के लिए आप तपस्या कर रहे हैं स्वामी। तुम भी तो मेरी भांति केवल जल का सेवन कर रही हो देवी, तुमने ये व्रत क्यों रखा है? मैं अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत कर रही हूं। अब उठिए, सूर्यास्त का समय हो गया है। स्त्रज्जाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावः। ठहरिए महाराज। तुम? क्या मैंने अभी तुम्हारी वाणी सुनी थी? हाँ महाराज, मैंने ही विनती की थी कि मुझे जल में न छोड़िए। किंतु क्यों, तुम तो जलचर हो, तुम्हारा तो जीवन ही जल के बिना संभव नहीं। यह सत्य है महाराज, परंतु जल में भी मेरा जीवन संभव नहीं। क्यों,
क्या कष्ट है तुम्हें? आप जहाँ मुझे छोड़ने जा रहे हैं, वहाँ बड़ा मत्स्य छोटी मत्स्य को निगल जाता है। मैं वहाँ सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा, मुझ पर दया करें। तो फिर तुम्हें कहाँ रखूं जहाँ तुम सुरक्षित रह सको? मुझे अपने कमंडल में रख लीजिए महाराज, आपके जल भरे कमंडल में मुझे कोई भय नहीं होगा। यदि तुम ऐसा समझते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं देवी नहीं, जल मत फेंकना। क्यों स्वामी? कमंडल में एक मत्स्य है, मैंने उसे जीवन रक्षा का वचन दिया है। ये तो छोटी सी मछली है, ये आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया, नहीं तो इसके प्राण चले जाते। आइए स्वामी, विश्राम करते हैं। हे दानवराज, आप हमें मुक्त कर दीजिए, आपने हमें छोड़ दिया तो भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। मुझे तुम्हारे विष्णु की कृपा नहीं चाहिए, चुपचाप अपने स्थान पर बैठे रहो नहीं तो कड़ा दंड दूंगा। कौन है ये सुंदर बालक, इन्हें किसने बंदी बनाया है? हम भगवान विष्णु के आप्त वचन माता दानव हयग्रीव हमारा अपहरण करके हमें यहाँ ले आया है। छोड़ दो इन्हें। मुझे खेद है माता, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकते मेरे आदेश का पालन? ये चारों दानवराज हयग्रीव के बंदी हैं और उनका आदेश है कि इन्हें ना छोड़ा जाए। माते, पुत्र, इन बेचारों को क्यों बंदी बनाकर रखा है? छोड़ दो इन्हें, मुक्ति दे दो इन सुंदर भोले भाले बालकों को। नहीं मां, यह नहीं हो सकता। ये भगवान विष्णु के आप वचन है, ज्ञान का भंडार है, बहुत महान है। जानता हूं मां, इसीलिए तो इनका अपहरण किया है। विष्णु ने इन्हें मानव कल्याण के लिए जन्म दिया है, दानव समाज को नीचा दिखाने के लिए रचा है इन्हें। परंतु पुत्र, तू क्या करेगा इनका? कुछ नहीं मां, बस इन्हें बंदी बनाकर रखूंगा। ज्ञान बुद्धि और प्रकाश को तू बंदी बनाकर रखना चाहता है? मेरी मान, यदि तू इन्हें ले ही आया है तो इनसे कुछ ज्ञान सीख ले, बुद्धि प्राप्त कर ले, इनके प्रकाश से अपने जीवन में उजाला कर ले। मुझे इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है माँ। कैसे आवश्यकता होगी तुझे इन वस्तुओं की? तेरे मस्तिष्क में तो अज्ञान और अहंकार भरा हुआ है। कैसा अभागा है तू, तेरे घर में ज्ञान और बुद्धि के चार दीपक है और तू अंधेरों में भटक रहा है। माँ, तुम जब भी आती हो मेरे लिए अब शब्दों का ही उपहार लाती हो, कैसी माता हो तुम? कैसी माता हूं मैं?
एक अभागन माता हूं। और कैसी माता हूं मैं? मैं ऐसी माता हूं जिसे उसकी संतान ने एक पल भी सुख नहीं दिया। तुम चाहती क्या हो मां? मैं चाहती हूं कि तू इन्हें मुक्त कर दे। नहीं करूंगा। तो फिर मैं ले जाऊंगी इन्हें अपने साथ। नहीं ले जाने दूंगा। मैं देखती हूं कौन रोकता है मुझे। मैं रोकूंगा इन्हें। देखती हूं तू कैसे रोकता है। आओ बालकों। नहीं। हट जा तू मेरे बीच से। मां तुम चली जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी। क्या कर लेगा तू मेरा? नहीं मां, मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। नहीं तो क्या करेगा तू? मां मुझे भय है कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए और मैं तुम्हारा अपमान ना कर बैठूं। हाथ उठाएगा तू मुझ पर? मेरा अपमान करेगा तू? अरे अभागे, अपमान तो मेरा उसी दिन हो गया था जिस दिन तूने मेरी कोख से जन्म लिया था। हे ईश्वर, ऐसे दुर्वचन सुनने से पहले मुझे इस संसार से उठा क्यों नहीं लिया? ऐसे पुत्र के होने से तो पुत्र का ना होना ही अच्छा था। अब तुमने यदि किसी से सहायता मांगी अथवा मांगने की चेष्टा की तो मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। स्वामी, 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 आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है देवी। मैं आपकी ये दशा देखकर जान गया हूं कि आप अपने पुत्र गरीब से मिलकर आ रही हैं। हां स्वामी, परंतु आज तो वो अयोग्यता की सारी सीमाएं पार कर गया। जो किसी सीमा को मानता ही ना हो उस पर यह दोष लगाना ही व्यर्थ है कि वो अयोग्यताओं की सारी सीमाएं पार कर गया। फिर भी क्या किया है उसने? उसने भगवान विष्णु के आप्त वचन चार वेदों को बंदी बनाकर रखा है। मैंने उन्हें मुक्त कराना चाहा तो उसने मुझ पर हाथ उठाने की धमकी दे डाली। मन में तो आया कि उसे शाप ही दे दूं। तो फिर दे दिया होता। शरीर का जो भाग सड़ जाए उसे काट कर फेंक देना ही उचित होता है। कैसे देती स्वामी? मैं मां हूं, भले एक कुपुत्र की मां सही, परंतु आज मुझे एक बात का ज्ञान अवश्य हुआ है कि कभी कभी मातृत्व भी लज्जा का कारण बन जाता है। आज पहली बार मैं बहुत लज्जित हूं कि मैं ऐसे पुत्र की मां हूं। मैं उसे अपनी कोख से जन्म देकर पछता रही हूं। पश्चाताप यदि भूल का मूल्य चुका सकता तो विश्वास करो मैं आपके पश्चाताप के साथ अपना पश्चाताप भी जोड़ देता। परंतु जिस प्रकार वर्षा ऋतु बीत जाने पर बीज बोने से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार हमारा पश्चाताप करना भी व्यर्थ है। कैसे अभागन हूं मैं? जानती हूं है गरीब के इस दुष्कर्म का क्या परिणाम होगा, फिर भी कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं, कुछ नहीं। शांत हो जाइए, सब कुछ भगवान विष्णु पर छोड़ दीजिए। वो जो भी करेंगे उचित ही होगा, न्याय के अनुकूल होगा। शांत हो जाइए। Thank you.
महाराज 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 महाराज। ये मुझे कौन पुकार रहा है? क्या हुआ स्वामी? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे महाराज महाराज कहकर पुकार रहा हो। कौन था वो? मैंने पुकारा महाराज। अरे ये पुकार तो कमंडल से आ रही है। हाँ देवी, ये मैं ही हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, इस कमंडल में मेरा श्वास रुका जा रहा है, मुझे यहाँ से निकालिए महाराज। अरे मत्स्य का आकार तो कमंडल के बराबर हो गया है। मुझे अनुमान नहीं था कि कोई जलचर एक ही रात्रि में इतना बड़ा हो जाता है। इस कमंडल में तो इसका श्वास घुट जाएगा। मैं इसे बाहर के जलाशय में छोड़ आता हूं, इसे वहां चैन मिल जाएगा। महाराज महाराज इसका आकार तो इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है कि मैं आश्चर्यचकित रह गया हूं। मैंने किसी मत्स्य को एक ही रात्रि में इस प्रकार बढ़ते नहीं देखा है। स्वामी क्या ये मत्स्य है? मुझे तो शंका हो रही है कि ये मत्स्य नहीं कुछ और ही है। अरे कुछ नहीं है देवी, संसार में ऐसे चमत्कार तो होते ही रहते हैं, ये भी ईश्वर का कोई चमत्कार होगा, आप चिंता मत कीजिए। तो अब आप इसे कहां ले जाएंगे? इसका आकार इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है कि सागर के अतिरिक्त इसका कोई स्थान नहीं हो सकता। मैं इसे ले जाकर सागर में छोड़ दूंगा। अब इसे किसी बड़े मत्स्य या जीव जंतु का भय नहीं है। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री, बारंबार प्रणाम। आयुष्मान भव। आओ पुत्र, उचित समय पर आए तुम। तुम्हें ज्ञात है सृष्टि में क्या होने वाला है? हां पिताश्री, मुझे ज्ञात है कि सृष्टि में क्या होने वाला है, और मुझे यह भी ज्ञात है कि सृष्टि में जो होने वाला है वो आपके ही परामर्श का परिणाम है। तुम सत्य कहते हो पुत्र, परंतु सृष्टि के प्रति मेरे मन में प्रेम भी तो है। स्वाभाविक है पिताश्री, नितांत स्वाभाविक है। आप सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि आपकी रचना है, और रचयिता का अपनी रचना से प्रेम होना स्वाभाविक है। फिर मेरी चिंता भी तो स्वाभाविक है। है पिताश्री, आपकी चिंता स्वाभाविक है, किंतु पिताश्री धरती का विनाश नहीं हो रहा है, धरती केवल जलमग्न हो रही है, और वह भी इसलिए कि वह स्वच्छ हो जाए। पिताश्री, हर युग में धरती को स्वयं अपने आप को स्वच्छ करना होगा,
पट्टी पर जब कोई नया लेख लिखा जाता है तो पुराने लेख को पोंछना ही पड़ता है। सूर्य का प्रकाश समेटने के लिए आकाश को चांद तारों की चादर लपेटनी ही पड़ती है। धरती को महान आदर्शों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मानव जाति का यह कर्तव्य बनता है कि वह संकुचित विचारधारा को हटा दे। यदि यह कार्य मानव स्वयं कर ले तो देवताओं को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु यदि मानव यह परिवर्तन नहीं ला सकता तो देवी शक्तियों को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, जो आप कर रहे हैं। जानता हूं पुत्र, पर जिस धरती को स्वच्छ करने के उद्देश्य से जलमग्न होना है उस पर मेरा पुत्र मनु भी तो है। मुझे चिंता है कि मनु का क्या होगा। ओ, तो भ्राता मनु की चिंता ने आपको व्याकुल कर रखा है। प्राणियों की रचना करते करते आप स्वयं मोहग्रस्त हो गए। नारायण नारायण। पिताश्री, माना कि पुत्र मोह की भावना को नकारा नहीं जा सकता, बड़ी स्वाभाविक सी बात है ये। किंतु पिताश्री, पुत्र मोह मानव दुर्बलता का लक्षण है। देवता इन भावनाओं से ऊपर हैं। आपके लिए तो संपूर्ण मानव जाति संतान के समान है, फिर आप किसी एक की चिंता क्यों कर रहे हैं? आपने भगवान शिव को जल प्लावन करने का परामर्श देकर अपना कर्तव्य निभाया। भगवान शिव आपका परामर्श मानकर अपना धर्म निभा रहे हैं। अब इस जल प्लावन से किसको बचाना है, कैसे बचाना है और कितना बचाना है, यह आप मेरे लक्ष्मी नारायण पर छोड़ दीजिए। पालनकर्ता तो वही हैं। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। तुम्हारी तर्क संगत बातों ने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। यह सत्य है कि अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, एक नन्हा सा दीपक उसे दूर करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे तर्क ने भी इसी प्रकार मेरी चिंता और आशंकाओं को दूर कर दिया। संसार यदि तुम्हें महानतम तथा सर्वोत्तम मार्गदर्शक कहता है तो उचित ही कहता है। अपने परम पूज्य पिताश्री की चिंता दूर करके मैंने केवल अपना पुत्र धर्म निभाया है। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिलता रहे, यही मेरी कामना है। क्योंकि पिता की सेवा करके मन को जो संतोष मिलता है उसका आनंद ही कुछ और है। नारायण नारायण। अपना धर्म निभाइए, ममता से मुख मोड़, नारायण के हाथ है जग रक्षा की डोर। चिंता मुक्त हुए पिता, ज्ञानी का सुन ज्ञान, नारद जैसे पुत्र पर क्यों न करे अभिमान, क्यों न करे अभिमान। क्या हो रहा है भगवान? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। एक नन्ना सा मत्स्य जिसे मैंने अपने कमंडल में शरण दी थी, वो इतना विशालकाय हो गया है कि
ये अथाह विशाल सागर भी इसके लिए छोटा दिखाई पड़ रहा है। ये कैसी लीला है? ये साधारण मत्स्य हो नहीं सकता। मुझे बताइए आप कौन हैं? मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूं, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। आप, हे जगदीश्वर, हे जनार्दन, हे सर्वेश्वर, ये आप हैं प्रभु? मेरे सौभाग्यशाली नेत्रों को आपके दर्शन हो रहे हैं। हाँ मनु, ये मैं ही हूं। आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता था हे पद्मनाभ? ये लीला तो केवल आप ही दिखा सकते हैं कि सिमटे तो मानव की अंजुरी में समा जाएं और फैलें तो धरती और आकाश को भी ढक लें। आप मेरी अंजुरी में ठहरे, मेरी कुटिया में रहे। मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? हे सर्वश्रेष्ठ, आप महान हैं। मैं अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करूं कम है। आपको कोटि कोटि प्रणाम हे लक्ष्मी नारायण। पर क्षीर सागर को छोड़कर धरती पर आकर उसे पावन करने का क्या भेद है दीनदयाल? हे मनु, मानव कल्याण की जिस चिंता के कारण तुमने आमरण व्रत कर रखा है, उसी चिंता ने मुझे भी पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए मैं सिर से पांव तक कान बना हुआ हूं प्रभु। ब्रह्मा के परामर्श पर भगवान शिव इस धरती को स्वच्छ करना चाहते हैं। उन्होंने धरती को जलमग्न करने का निर्णय कर लिया है। आने वाली अमावस्या को आकाश से ऐसा वज्रपात होगा कि कानों को ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ऐसी वर्षा होगी मनु कि मानो लगेगा कि आकाश में छेद हो गया। जल का एक रेला आएगा और यह धरती गहरे जल में डूब जाएगी। मैं तुम्हें डूबने से बचाना चाहता हूं मनु। मैं आपकी कृपा और अनुकंपा को कैसे धन्यवाद दूं? परंतु हे जगदीश्वर, जब समस्त धरती ही डूब जाएगी, मानव जाति ही नष्ट हो जाएगी, तो मैं अकेला बचकर क्या करूंगा? हे मनु, जीवन मानव से महानतर है। मानव को मृत्यु आ सकती है, परंतु जीवन कभी नहीं मरता। जिस प्रकार एक डाली से एक पुष्प टूटता है, परंतु वहीं से दूसरा पुष्प भी फूटता है, उसी प्रकार जहां एक जीवन का अंत होता है, वहीं पर दूसरा जीवन प्रारंभ होता है। एक पीढ़ी चली जाती है, परंतु वहीं दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी के स्थान को रिक्त नहीं रहने देती। यही जीवन की परंपरा है। तुम इसी परंपरा को अक्षुण्ण रखोगे, तुम इसी परंपरा को जीवित रखोगे, यही मेरा उद्देश्य है। आपके आदेश का पालन तो मेरा परम धर्म है प्रभु। मनु, जल प्लावन के समय तुम अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा के साथ इस नौका पर सवार हो जाना। अपने अतिरिक्त इस नौका पर
समस्त पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा और उन सारे पौधों के बीज भी रख लेना जिन्हें तुम आवश्यक समझते हो। मैं मत्स्य के रूप में आऊंगा। तुम इस नौका को मेरे सींग से बांध देना। मैं तुम्हारी नौका को सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा, जहां पहुंचकर तुम्हें एक नवीन जीवन का निर्माण करना होगा, एक नए मानव को जन्म देना होगा। जो आदेश प्रभु। मैं आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। तथास्तु। होते हैं संसार के संकट में जब प्राण, तब तब आते हैं प्रभु करने को कल्याण। कभी ना होने देंगे वो मानवता का नाश। संकट मोचन है वही है सबको विश्वास, है सबको विश्वास। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़ दान, पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण